A very good morning to all of you. In this class, I am going to start with the another important topic of chapter, neural control and coordination, and the topic is sense organs. तो जितने भी changes होते हैं environment में वो receive किए जाते हैं through different sense organs से. तो यहाँ पे क्या किया जाता है, sense organ they are mainly function as a receptors or receive any changes in the environment, receive करेंगे, then they transmit the signal, this signal to the CNS, and finally यहाँ पे CNS part में इसकी प्रोसेसिंग होगी और एनालिसिस होगी. देन एनालिसिस करने के बाद ये डिफरेंट फंक्शनल पार्ट ऑफ द ब्रेन में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे ये सभी सिग्नल्स. नाउ यहाँ पे जितने भी सिग्नल्स होते हैं फॉर सेंस ऑर्गन होते हैं, ये क्या करते हैं कि डिफरेंट पार्ट में, डिफरेंट ब्रेन पार्ट में ये रिसीव करते हैं एनवायरमेंट में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं और इसे डिटेक्ट करेंगे. देन सीएनएस पार्ट में ट्रांसमिट करेंगे, देन सीएनएस पार्ट में प्रोसेसिंग होगी, एनालाइजिंग होगी पर्टिकुलर उस सेंस का. देन वो ऑर्गेन डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन में ट्रांसमिट कर दिए जाएंगे जहाँ पे इन्हें एनालाइज कर लिया जाएगा. नाउ अब स्टार्ट करते हैं सेंस ऑर्गेन से. सो कितने सेंस ऑर्गेन होते हैं, वी हैव ऑलरेडी, जैसे कि हमारा हम देखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना ये सभी आईज से, देन स्मेल थ्रू नोज, और फिर ऑल्फैक्टरी से, ऑल्फैक्टरी या ऑडिटरी ऑर्गन से, जैसे ईयर से हम कोई भी ऑडिटरी फंक्शन करते हैं या हियर करते हैं, सुनते हैं किसी भी चीज़ को, या टेस्ट कर रहे हैं थ्रू टंग, तो ये डिफरेंट सेंस ऑर्गन होंगे. तो दीज आर आईज, वी सेंस आईज से देखना, देन किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, देन ईयर के थ्रू किसी भी साउंड को रिसीव किया जाता है, परसीव किया जाता है. नाउ सेकंड इज एंड थर्ड इज टंग टेस्ट के लिए होगा, टेस्ट के लिए टंग होगा, एंड देन नोज से स्मेल, थ्रू नोज से स्मेल किया जाता है. तो जितने भी ओडोर्स हैं या फ्रेग्रेंस है, कोई भी अगर सेंस है, तो ये क्या करते हैं, हम नोज के थ्रू स्मेल करते हैं. नाउ स्टार्ट करते हैं विद द नोज. नोज क्या है, एक ऐसा वो नोज और फंक्शन क्या होगा, स्मेल को रिसीव करना, मेनली स्मेल, वी रिसीव स्मेल थ्रू नोज. नाउ नोज इज फॉर्म बाय द एपिथीलियम, यहाँ पे स्पेशल एपिथीलियम प्रेजेंट होंगे विच आर इनकोटेड विद द म्यूकस. तो म्यूकस से इनकोटेड रहेंगे नोज के एपिथीलियम, एंड नोज है ये फॉर्म रहेंगे ये डिफरेंट. द नोज एपिथीलियम मेनली फॉर्म बाय द थ्री टाइप ऑफ सेल्स और विच एंड द फंक्शन ऑफ दीज सेल्स टू रिसीव द केमिकल्स विच आर प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट. जो एनवायरमेंट प्रेजेंट होंगे तो यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो कैसे होगा, कैसे सेंस किया जाएगा, नोज कैसे वर्क करता है. तो नोज इज लाइन बाय द एपिथीलियम, epithelium which is formed by three type of cells, three type ke cells se bane honge, and these three type of cells are basal cells, then receptor cells. These are also known by the olfactory receptor cells. Olfactory receptor cells. इसके बाद next है basal cells, olfactory receptor cells and supporting cells. तो रिसेप्टर सेल्स मेन फंक्शन होगा रिसेप्टर सेल्स का विच रिसीव, और बेसल सेल्स एंड सपोर्टिंग सेल्स, यहाँ पे बीच में ग्लैंड सेल्स, म्यूकस ग्लैंड सेल्स भी प्रेजेंट होगी जिसका वर्क होगा म्यूकस सिक्रीट करना. दे सिक्रीट म्यूकस और फॉर्म द म्यूकस कोटिंग ऑन द एपिथेलियल सेल्स. देन एनी गैसेज विच आर प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट, दीज गैसेज डिफ्यूजेज विद द म्यूकस विच इन लाइन द एपिथीलियम
मेम्ब्रेन एपिथीलियम के से लाइन रहते हैं, देन डिफ्यूजन जब गैस डिफ्यूज कर जाएंगे तो एक्चुअली में ये डिसॉल्व हो जाएंगे इन द म्यूकस, और दिस डिसॉल्व फॉर्म ऑफ म्यूकस डिसॉल्व फॉर्म ऑफ गैस इज रिसीव बाय द रिसेप्टर्स, और ये रिसेप्टर रिसीव करके जे प्रोटीन और बहुत सारे रिसेप्टर्स और प्रोटीन फिर एक चैन ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो जाएंगे और यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। देन एक्शन पोटेंशियल जनरेट के जैसे ही होंगे दे यहाँ से नर्व अराइज होगी, देन दीज नर्व जनरेट एक्शन पोटेंशियल एंड ट्रांसमिट इम्पल्स टू द ऑल्फैक्टरी बल्ब विच इज प्रेजेंट इन द ब्रेन रीजन, और एक्चुअली एक प्रोजेक्शन होगा ब्रेन का, और ब्रेन यहाँ पे फॉरवर्ड के साइड एक प्रोजेक्शन होगा जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो ऑल्फैक्टरी बल्ब का फॉर्मेशन करेंगे, और वहाँ पे ये ट्रांसफर हो जाएंगे जिसे फिर एनालाइज कर लिया जाएगा और प्रोसेस कर दिया जाएगा। ना स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसे ये इग्नोज में एपिथीलियल सेल्स प्रेजेंट होंगे और ब्रेन के CNS पार्ट में कैसे ये ट्रांसमिट करते हैं। सो ब्रेन यहाँ पे नोज एपिथीलियल सेल में ये सभी कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, तो हियर इज नोज और यहाँ पे एपिथीलियल सेल्स। नाउ एपिथीलियल सेल्स में ये थ्री टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगी, और हियर इज सीलिया विच एक्ट एज ए रिसेप्टर। Now these nerves accumulate एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे और form the collective nerve, और these nerves are transported through the olfactory bulb which is arises from the cerebral hemisphere lower region of cerebral hemisphere. Here is cerebrum, cerebellum, cerebellum, cerebrum, or pons veruli, or here is olfactory bulb. Olfactory bulb, which is a part of CNS, or which receives the sense of smell from which is transported from the receptor which is present in the epithelial cells. ना ये रिसेप्टर फॉर एग्जाम्पल कैसे होंगे, ये हियर इज ब्रेन, और ब्रेन में ये कैसे लोअर साइड पे सेरिब्रम हेमिस्फीयर के ठीक नीचे प्रेजेंट है और सेरिब्रम पार्ट के ठीक नीचे प्रेजेंट है ऑल्फैक्टरी बल्ब। नाउ हियर इज सेरिबेलम और हियर इज पॉन्स वेरुलाई, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लास द ऑल पार्ट ऑफ द ब्रेन। नाउ यहाँ पे इज नोज nose. Now and nose epithelium. Now अब discuss करते हैं nose epithelium से कैसे अगर receptors arise होंगे. Here is nose epithelium. Now different type of basal cells are present and these are receptor cells. ये सभी यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे, देन अरेंज होके ऑल्फैक्टरी बल्ब में जो पार्ट है CNS का इससे फ्यूज होंगे और वहाँ पे अटैच हो जाएंगे। नाउ जो सिग्नल है नोज से ब्रेन तक पहुँच जाएगा ऑल्फैक्टरी ब्रेन ऑल्फैक्टरी बल्ब ऑफ CNS पार्ट। नाउ यहाँ पे हियर इज बेसल मेम्ब्रेन, बेसल सेल्स एंड दिस इज सपोर्टिंग सेल्स, एंड
These are receptor cells. Receptor cells are actually a nerve which यहाँ पे जहाँ से ये elongate होंगे, elongate होके cilia का formation करेंगे, form cilia. सीलिया का फॉर्मेशन करेंगे और सीलिया क्या होगा, सीलिया का फॉर्मेशन करेंगे एंड नाउ सीलिया पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे एंड हियर इज अनदर टाइप ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे विच इज अ म्यूकस ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड विच सिक्रेट्स. अब यहाँ पे म्यूकस का सिक्रीशन होगा, म्यूकस का सिक्रीशन होगा और ये सब ये जो रिसेप्टर्स हैं और सीलिया ऑफ रिसेप्टर्स हैं दीज आर कोटेड विद दिस म्यूकस और म्यूकस से ये भी कोटेड रहेंगे. नाउ व्हेन एनी गैस, जब हम स्मेल करेंगे तब क्या होगा, सराउंडिंग में कोई भी गैस है, कोई भी ओडोर है, फ्रेग्रेंस है, उसके मॉलिक्यूल्स ये डिफ्यूज हो जाएंगे, डिफ्यूजेस विद द म्यूकस विच इज प्रेजेंट इन द और ऑन द एपिथीलियल सेल्स. दीज मॉलिक्यूल, गैसियस मॉलिक्यूल डिफ्यूज हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे इस म्यूकस में. देन डिफ्यूजेस मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस अटैच ऑन रिसेप्टर्स और ये रिसेप्टर्स के थ्रू यहाँ पे जी प्रोटीन सिग्नलिंग स्टार्ट हो जाएगी. जी प्रोटीन सिग्नलिंग के थ्रू ये अंदर जाएंगे और सेकेंडरी रिसेप्टर्स और सेकेंडरी मैसेंजर एक्टिवेट हो जाएंगे. देन सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू और ये यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर CAMP, सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू कैल्शियम आयन रिलीज हो जाएंगे. कैल्शियम आयन रिलीज, कालमाड्यूलिन पाथवे और डिफरेंट पाथवे, एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल स्टार्ट होती है विच ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल स्टार्ट और जनरेट द एक्शन पोटेंशियल ऑन द मेम्ब्रेन. तो एक्चुअली में जो रिसेप्टर्स हैं दीज आर नर्व फाइबर्स हैं और यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा. देन दीज एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफर थ्रू द रिसेप्टर नर्व टू द ऑल्फैक्टरी बल्ब. ऑल्फैक्टरी बल्ब तक ये स्टिमुलस पहुँच जाता है जहाँ पे सेंस ये रिसेप्टर कौन से हैं और ये सिग्नल या गैसियस मॉलिक्यूल कौन से हैं जिसकी प्रोसेसिंग होगा और एनालिसिस होगी इन द ऑल्फैक्टरी बल्ब. ये यहाँ पे प्रोसेस पूरा होगा. तो ना स्मेल जो सेंस किया जाता है, सेंस ऑफ स्मेल कैसे आता है, व्हेन एनी गैसियस मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट दीज आर एक्चुअली डिजॉल्व विद द हेल्प ऑफ म्यूकस. व्हेन अप इन द एनवायरनमेंट म्यूकस से दीज गैसेज आर डिफ्यूज्ड विद द म्यूकस. नाउ एपिथेलियल सेल्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन द नोज, दीज एपिथेलियल सेल्स आर फॉर्म बाय मेम्ब्रेन इज फॉर्म बाय थ्री टाइप ऑफ सेल्स दैट इज बेसल सेल्स, सपोर्टिंग सेल्स एंड रिसेप्टर सेल्स. और रिसेप्टर सेल्स ऑल्सो हैव सीलिया एंड रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन द सीलिया ऑफ द दीज रिसेप्टर सेल्स और दीज रिसेप्टर सेल्स एक्चुअली द नर्व फाइबर. नाउ व्हेन दीज डिफ्यूजेस मॉलिक्यूल बाइंड विद द रिसेप्टर द सेकेंडरी मैसेंजर इज एक्टिवेटेड विद द हेल्प ऑफ दीज सेकेंडरी मैसेंजर एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड ऑन द नर्व फाइबर एंड दीज एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल अलॉन्ग द नर्व फाइबर एंड रीचेज टू द ऑल्फैक्टरी बल्ब. और ऑल्फैक्टरी बल्ब पर पहुँच जाएंगे देन यहाँ पे इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, दैट मीन्स के ऑल्फैक्टरी बल्ब में पर्टिकुलर ये ऑल्फैक्शन से रिलेटेड है, दैट मीन्स सेंस ऑफ स्मेल से रिलेटेड है, सो दैट दे कैन एनालाइज और प्रोसेस दिस टाइप ऑफ स्मेल और दिस काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, गैसियस मॉलिक्यूल विच डिसॉल्व इन द म्यूकस पार्ट. तो म्यूकस में जो डिसॉल्व हो रहे हैं इन्हें एनालाइज कर लिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ ऑल्फैक्टरी बल्ब और सेंस. हमें हमारे ये सिग्नल कहाँ आ जाएंगे, सेंस सेरिब्रल पार्ट में, और सेरिब्रम पार्ट में इन्हें फिर एनालाइज कर लिया जाएगा, पहचान लिया जाएगा इसे. देन मेमोरी भी स्टोर कर ली जाएगी कि ये स्मेल ऐसा है और इस फ्लावर का है या फ्रेग्रेंस इस फ्लावर से, परफ्यूम इस फ्लावर्स की है. तो ये सभी हमें हमारे लिए नोन हो जाएगा ना. अब ये पूरी प्रोसेस इसी तरीके से होगा ना. नेक्स्ट इज आईज. आईज सो अ पेयर ऑफ आईज प्रेजेंट और फिट इन द सॉकेट ऑफ स्कल और जिसे ऑर्बिट्स बोला जाता है, तो वहाँ पे फिट सॉकेट्स में फिट रहेंगे आईज. ना स्ट्रक्चर ऑफ आईज और यहाँ पे जो नर्व्स होंगे, नर्व्स मेनली ये क्या करने में हेल्प करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करते हैं ना आईज. एंड ना यहाँ पे जो सेकंड फीचर है जो नर्व हैं होंगे कौन से होंगे, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक
नर जो इससे अराइज होंगे और सिग्नल ट्रांसपोर्ट कहाँ करेंगे, ऑप्टिक बल्ब और सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ना स्ट्रक्चर ऑफ आई देखते हैं, तो स्फेरिकल जो आई है शेप कैसा है, शेप ऑफ आई इज स्फेरिकल इन शेप, स्फेरिकल इन शेप। स्फेरिकल इन शेप और फॉर्म बाय थ्री लेयर, थ्री लेयर दैट इज स्क्लेरा, फर्स्ट इज स्क्लेरा विच इज फॉर्म बाय डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड कोरॉइड, कोरॉइड एंड थर्ड इज रेटिना, थर्ड इज रेटिना। नाउ द स्क्लेरा मेम्ब्रेन इज फॉर्म बाय डेंस कनेक्टिव टिश्यू डेंस कनेक्टिव टिश्यू। नाउ कोरॉइड इज थिन लेयर एंड रेटिना इज ऑल्सो थिन लेयर। नाउ अब यहाँ पे डेंस कनेक्टिव टिश्यू दैट मीन्स कि ये थोड़े से थिक होंगे और दोनों ही कोरॉइड और रेटिना लेयर थिन इन स्ट्रक्चर होंगे। नाउ जो आउटर है, सबसे आउटर दैट इज स्क्लेरा, स्क्लेरा। नाउ कोरॉइड मिडिल एंड रेटिना इज इनर लेयर एंड कोरॉइड इज मिडिल लेयर। ना यहाँ पे आई में कहाँ पे कौन कौन से रीजन प्रेजेंट होंगे, तो जो स्क्लेरा होंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बने होंगे, पोस्टीरियर साइड में ये डेंस होंगे, बट इंटीरियर साइड में थिन हो जाएंगे। यहाँ पे पोस्टीरियर साइड में और इंटीरियर साइड में ये क्या करेंगे, कॉर्निया का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। कॉर्निया का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है आई में, यहाँ पे स्फेरिकल जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है स्क्लेरा, ये आगे आके कॉर्निया का फॉर्मेशन करेंगे। एक स्लाइटली प्रोजेक्टेड रीजन होगा या बाहर की तरफ निकला हुआ रीजन होगा, यही रीजन क्या है कॉर्निया, इस रीजन को बोला जाता है कॉर्निया। और इसके हेल्प से जो विजन होगा वो उसकी क्लैरिटी बनी रहती है ना। नेक्स्ट इज द, अब यहाँ पे सेकेंड लेयर कौन सी है, कोरॉइड है ये, वन थर्ड पे तो थिन, वन थर्ड पोर्शन पे थिन लेयर होती है, लेकिन टू थर्ड लेयर पे ये थिन होगी, टू थर्ड रीजन पे थिन होगी। नाउ आफ्टर टू थर्ड रीजन इट बिकम थिक टू फॉर्म सिलियरी बॉडी, और सिलियरी बॉडी का फॉर्मेशन होगा। फ्रॉम द सिलियरी बॉडी द कोरॉइड लेयर ग्रो फॉरवर्ड टू फॉर्म पिगमेंटेड ओपेक लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे सिलियरी बॉडी से के थ्रू जो सिलिया अराइज होंगे, प्रोजेक्शन अराइज होगा, ये क्या करते हैं कि लेंस के बाइंडिंग में हेल्प करते हैं। नाउ विद द यहाँ पे सिलियरी, हियर इज सिलियरी बॉडी एंड दिस इज नोन एज आइरिस, आइरिस
ciliary body, or with the ciliary, with the help of ciliary body, a crystalline lens is present. यहाँ पे crystalline lens होगा जहाँ ये क्या करते हैं, focus में help करते हैं और कि object कैसे दिखेंगे. Lens, then जो projection है ये जितने part को cover कर रहे हैं, covered part को ये क्या बोला जाएगा, ये pupil. Part which is covered by iris is known as pupil. Now outside the or in between the cornea or lens there is a presence of liquid known, this liquid is known as aqueous material or aqueous chamber. पहले तो aqueous chamber होगा, chamber is known by the aqueous chamber, and the fluid which is filled inside it is known as the aqueous humor. Similarly here is also this chamber is known as the vitreous chamber, and the fluid which is filled in the inside the vitreous chamber is vitreous humor. Now third layer is retina layer. सबसे पहले जो choroid layer है, here is choroid layer, ये thin होते हैं and also vascularized layer. That means कि blood vessels are present in the vascularized choroid layer. Now पूरे स्ट्रक्चर में एक बार ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं फिर से. द आई इज फिट इन द सॉकेट ऑफ द स्कल एंड मेनली फॉर्म बाय द आई बॉल इज फॉर्म बाय द थ्री लेयर. आउटर इज थिक लेयर एंड फॉर्म बाय डेंस कनेक्टिव टिश्यू. इनर इज थिन कोरॉइड एंड मिडिल इज थिन कोरॉइड एंड द इनर लेयर इज रेटिना लेयर. Most inner layer is retina layer. Now sclera, choroid or choroid are such a main important function hoga choroid ka, because they become thick towards the interior region and form ciliary body which attach the cilia which attach the lens with the help of cilia, and also with the ciliary body there is a forward projection or pigmented opaque structure is called iris which covered the short part of lens and called pupil. अब यहाँ पे जो colored structure है और pigmented structure है, यही pigmented structure, ये क्या है, iris contain pigmented opaque structure. पिगमेंटेड ओपेक स्ट्रक्चर, तो ये डिफरेंट पार्ट ऑफ, और यहाँ पे होगा ब्लाइंड स्पॉट. हियर इज ब्लाइंड स्पॉट. सो कैसे, एंड द इनर मोस्ट लेयर इज रेटिना. अब रेटिना से ही नर्व, रेटिना इज फॉर्म बाय टू टाइप ऑफ सेल्स, रॉड एंड कोन सेल्स. ये रेटिना के इनर लेयर में, अब फिर रेटिना से ही अराइज होंगे ऑप्टिक नर्व से और नर्व क्या करेंगे, दे ट्रांसफर स्टिमुलस टू द और ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स कैरीड आउट बाय द ऑप्टिक नर्व विच ट्रांसपोर्ट दीज स्टिमुलस टू द ऑप्टिक बल्ब और ऑप्टिक रीजन प्रेजेंट इन द CNS पार्ट ऑफ द ब्रेन. CNS पार्ट में कैसे ये ऑल्फैक्शन या सॉरी जो ऑप्टिक रीजन है ये कैसे रिसीव करेंगे और जो भी हम देख रहे हैं वो कैसे रिसीव होगा और कैसे ट्रांसफर होगा. नाउ हियर इज अ सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ आई जहाँ पे सिलियरी बॉडी ये क्या करते हैं, जब भी हम एनी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तब क्या होगा, ये प्यूपिल डायलेट होता है और डायलेशन होता है और कॉन्ट्रेक्शन होता है. दैट मीन्स प्यूपिल डायलेट हो रहे हैं, दैट मीन्स ये आईरिस क्या करते हैं, जो आईरिस है ये उतने ज़्यादा अगर कवर कर लिए जाएंगे, दैट मीन्स कि यहीं पे अगर ये इलोंगेट करके ये कवर कर लेंगे लेंस को, तो ये क्या कर कब होता है आईरिस, या इसी को प्यूपिल कॉन्ट्रेक्शन बोला जा रहा है. और ये कब, जब हाई लाइट प्रेजेंट होंगे तब ये कवर कर लिया जाएगा कि कम से कम लाइट अंदर आईज पे लेंस पे पड़े और
यहाँ पे ये अब फॉर एग्जांपल अगर कम लाइट है और डीम लाइट है तो उस केस में क्या होगा, तो प्यूपिल डायलेशन होगा। प्यूपिल डायलेशन कैसे हो रहा है, प्यूपिल डायलेशन में ये आइरिस और कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी बिकॉज दीज आर आइरिस आर मसल्स और सिलरी बॉडीज आर ऑल्सो मसल्स, सो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा और यहाँ पे आइरिस अपनी साइड मूव कर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा जिसकी वजह से लेंस की साइज बड़ी हो जाएगी और ये लेंस ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को अंदर पास करेंगे और इसकी वजह से एक क्लियर इमेज बनता है। तो क्लियर इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, सबसे पहले जो लेंस है इसके भी फोकस को सिलरी मसल्स के थ्रू कम और डिक्रीज और इंक्रीज किया जा सकता है फोकस को और इमेज रेटिना पर बनेगा। रेटिना इज फॉर्म बाय टू टाइप ऑफ सेल्स, रॉड एंड कोन सेल्स और आइरिस से ये इंश्योर किया जाता है लाइट के अमाउंट को इंश्योर किया जाता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने पड़ रहे हैं या बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट है तो उसे कम इंटेंसिटी और लाइट की इंटेंसिटी को डिक्रीज करने के लिए जो आइरिस है दे बिकम डायलेटेड इन आइरिस बिकम डायलेटेड सो द प्यूपिल बिकम कॉन्स्ट्रिक्टेड। द स्ट्रक्चर ऑफ यहाँ पे प्यूपिल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और यहाँ पे आइरिस के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो प्यूपिल है डायलेट हो जाएगी और प्यूपिल ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट को अंदर पास करेंगे तो जिसकी वजह से क्लियर इमेज बनता है ना। अब रेटिना लेयर के स्ट्रक्चर देखते हैं यहाँ पे। अब रेटिना लेयर में रेटिना लेयर इज फॉर्म बाय थ्री टाइप ऑफ सेल्स। सेल्स दैट इज पहला न्यूरल सेल्स और न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स और इसी को बाइपोलर सेल्स। सेकेंड इज फोटोरिसेप्टर्स विच इज अ टू टाइप कंटेन और फॉर्म बाय टू टाइप ऑफ सेल्स रॉड एंड कोन्स। रॉड और कोन्स से बने होंगे न्यूरल बाइपोलर सेल्स और थर्ड इज गैंग्लियन सेल्स। दीज आर अनदर काइंड ऑफ नर्व, एक्चुअली में नर्व ही होते हैं लेकिन मतलब को एक क्लस्टर का फॉर्मेशन करते हैं, क्लस्टर देन गैंग्लियन, जिस क्लस्टर को गैंग्लियन बोला जाता है ना। रॉड और कोन्स किसके लिए फंक्शनल होंगे, जब रॉड कोन्स आर जितने भी लाइट विजन्स होते हैं या हम कलर्ड विजन दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर्ड विजन एंड दी रॉड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्वाइलाइट विजन और रात में जितने विजन बनते हैं ट्वाइलाइट विजन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और यहाँ पे जो ब्लाइंड स्पॉट है और जो रेटिना लेयर है यहीं से नर्व्स अराइज होंगे। ऑप्टिक नर्व तो यहीं से निकलते हैं और यरिस फोविया। ना ऑप्टिक नर्व कैसे रिसेप्टर ये मेजर रोल कर परफॉर्म करते हैं और यहीं से सिग्नल ट्रांसमिट होंगे ऑप्टिक नर्व के थ्रू इन द ऑप्टिक बल्ब और विच इज प्रेजेंट इन द CNS पार्ट और ब्रेन में प्रेजेंट होगा। नाउ ऑप्टिक रिसेप्टर या फोटो रिसेप्टर्स आर फॉर्म बाय द टू टाइप ऑफ सेल्स रॉड्स एंड कोन्स। रॉड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्वाइलाइट विजन दैट इज ब्लैक एंड वाइट विजन और मेनली फंक्शन इन द नाइट टाइम एंड कोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर्ड विजन और दे आर फंक्शनल इन लाइट और डे टाइम में फंक्शनल होंगे। रॉड्स जो होंगे रॉड सेल्स दे हैव पिगमेंट और डेरिवेटिव ऑफ है डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए रोडॉप्सिन। ये क्या है, विटामिन ए के डेरिवेटिव है। जनरली बोला जाता है कि इफ
देर इज अ लैक ऑफ विटामिन ए इन द बॉडी. सो क्या होगा, रोडोप्सिन प्रॉपर फॉर्म नहीं होंगे इस केस में, तो जो इंडिविजुअल है वो नाइट विजन उसका प्रॉपर अच्छा नहीं होगा या वो रात में नहीं देख पाएंगे. तो ये रीजन होता है विटामिन ए का, बिकॉज विटामिन ए के से रोडोप्सिन पिगमेंट्स का फॉर्मेशन और रोडोप्सिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है. दीज रोडोप्सिन आर प्रेजेंट इन द रॉड सेल्स, और इस रोडोप्सिन के हेल्प से जो ट्वाइलाइट विजन होता है, नाइट विजन, ये पॉसिबल बनना, ये पॉसिबल हो पाता है ना. व्हाई दीज फोटो रिसेप्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल इन, अब रोडोप्सिन इज ए काइंड ऑफ पिगमेंट. यहाँ पे क्या होगा, जितने रोडोप्सिन होंगे रेटिना लेयर में प्रेजेंट होंगे, हाई लाइट इंटेंसिटी की होगी, तब क्या होते हैं ये हाई लाइट की इंटेंसिटी जब रेटिना पर आएगा तब ये रोडोप्सिन ब्रेक हो जाएंगे. और ब्रेक होने का मतलब सिर्फ यही है कि ये हाई लाइट की इंटेंसिटी को कम करना, डिक्रीज करना चाहते हैं ताकि ये प्रॉपर विजन प्रॉपर बन सके. और नाइट टाइम में क्या होगा, ये रोडोप्सिन जो रेटिना लेयर में और रॉड सेल में प्रेजेंट है ये एक्यूमुलेशन हो जाएगा रोडोप्सिन का. सो क्लियर एक जो विजिबिलिटी होती है वो क्लियर हो पाएगी ना. नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे.